जब ये कोरोना वायरस का कहर खत्म हो जाएगा सारी दुनिया से और हम सब फाइनली अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे, तो सबका मन करेगा कि कहीं बाहर वैकेशन के लिए जाया जाए। और अगर आपका भी ऐसा कुछ मन करे तो एक जगह मैं भी सजेस्ट कर देता हूँ, पौंडीचेरी घुमाइए भाई, एक नंबर की कमाल जगह है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 10 प्लेसेस ऑफ पौंडीचेरी, सो लेट्स स्टार्ट इट। लड़के चल पड़े हैं घूमने के लिए पौंडीचेरी में, और देखते हैं आज कौन कौन सी जगहें कवर करने वाले हैं। बेस्ट प्लेस इन पौंडीचेरी टू विजिट, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ पत्थरों पे आके बैठिए, लहरों के साथ अपने इमोशंस को बहने दीजिए, जो दिल की बातें हैं सब कर लीजिए। मेरे लिए तो हमेशा से पौंडीचेरी में, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर बैठ के काफ़ी घंटों तक बातें करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। Our Lady of Angels Catholic Church. ये प्लेस जितना बाहर से सुंदर दिखता है उससे ज़्यादा अंदर से सुंदर दिखता है। भारती पार्क इज इन फ्रंट ऑफ रॉक बीच, इट इज़ अ वेरी पीसफुल पार्क, पीपल आर सिटिंग ओवर हेयर आफ्टर द टायरिंग जर्नी ऑफ पौंडीचेरी। आई थिंक फर्स्ट पीपल वॉक ऑन रॉक बीच एंड दे कम एंड सिट इन दिस पीसफुल पार्क। तो फ्रेंच मेमोरियल जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे फ्रेंच इंडिया के जवानों ने शहादत दी थी उनकी याद में बनाया गया है। और अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क है, और उसके बीचों बीच में अगर आप नोटिस करेंगे तो लाइटिंग भी बहुत प्यारी की गई है और फ्रांस का झंडा बनाया गया है उस लाइटिंग में। तो इट इज़ रियली पीसफुल टू सी दिस प्लेस। एज यू कैन सी ठंडी हवा चल रही है, लोग आसपास घूम रहे हैं, और इसके जस्ट सामने रॉक बीच है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक दिस प्लेस आउट। वी आर रियली लकी दैट वी हैव रीच्ड टू अ टाइम वेयर वन ऑफ द फेस्टिवल इज गोइंग ऑन इन पौंडीचेरी बीच। सो अभी कुछ ग्लूकोमा वीक करके चल रहा है यहाँ पे, उसके लिए आप देखेंगे क्राफ्ट बाजार टाइप का रेडी किया गया है यहाँ पर बीच पर, और इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी आर्टिस्ट ने अपने आर्ट का प्रदर्शन किया है यहाँ पर।
गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह के बज चुके हैं 9। हम लोगों का प्लान था सनराइज कैप्चर करने का, जो कि बिल्कुल वर्क करता लग नहीं रहा है, क्योंकि हुआ ये रात में कि रात में 9 बजे मैं और सचिन रूम पे आए, और उसके बाद हमने इतनी बात की कि पता ही नहीं चला कब 3 बज गया। और अभी प्लान ये है कि किसी बीच पे जाया जाए, थोड़े शॉट्स लिए जाएँ और एंजॉय किया जाए। Beach is a city beach in Pondicherry. If you want to do any water activities, you want to go around the beach and enjoy the sunrise, sunset, so you can come to Auroville Beach. So Auro Beach is about 10 km from the Auroville Ashram, and if you will see near that ashram, most of the place's name is starts with Auro only. So I think that's how this name came. And for me, whenever I visit Pondicherry, this is my third time. Whenever I visit Pondicherry, I always come to Auro Beach. So Serenity Beach is one of the best beach if you want to enjoy the water activities. So people come here, they enjoy with their friends, family, and have a great time. So I feel if you are coming to Pondicherry, you must visit this beach. राइट नाउ वी आर इन ऑरोविले, और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो है ऑरोविले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मातृ मंदिर।
सो मातृ मंदिर की खासियत यह है कि इसको बनने में ऑलमोस्ट 38 ईयर्स लग गए थे। इसका बनना स्टार्ट हुआ था 1971 से और 2008 में ये कंप्लीट हुआ है, तो बहुत लंबा टाइम था, लेकिन जितना लंबा टाइम लगा उतना ही सुंदर ये बना है। तो अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे, फोटोज़ देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको इतना टाइम लगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्फीयर, इसके आसपास 12 पेटल्स भी हैं और उन पेटल्स का एक मीनिंग है, हर एक पेटल का एक अलग मतलब है जो माने डिफाइन किया था। तो अगर आप देखेंगे इसके आसपास की पेटल्स को, वो भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। सो ये एक रीज़न है कि इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑरोविले का बोला जाता है। अरविंदो आश्रम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग आपको अंदर का कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अंदर कितना सुकून और शांति थी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, तो आपको ये प्लेस बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। स्पेशली अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप जा सकते हैं, कॉटेज से पास कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल और टेम्पल अंदर से बहुत ही सुंदर है। गणपति जी के बहुत सारे अवतार वहाँ पे दिखाए गए हैं और हाँ, इस टेम्पल में भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर के कुछ भी सीन दिखा नहीं पाएंगे। बट अगर आप पांडिचेरी विज़िट कर रहे हैं तो इस टेम्पल को ज़रूर विज़िट कीजिए। इट्स सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च, चर्च इज़ रियली नाइस, वाइब्स आर रियली गुड, प्रेयर वॉज हैपनिंग इनसाइड सो कुडंट शूट मच, बट या इट वॉज रियली नाइस।